रामायण को आज भी कहीं लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं। लगता है वो लोग अपने इतिहास को भूल गए हैं। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं वो लोग खुद ही एक दिन इतिहास बन जाते हैं। रामायण और भगवान राम से हिंदुओं की आस्था हमेशा से ही जुड़ी हुई है। आस्था के होते हुए भी अक्सर यह सवाल उठ ही जाते हैं कि क्या सच में भगवान राम का जन्म इस धरती पर हुआ था? क्या रावण और हनुमान थे? दोस्तों, हम उनको तो किसी के सामने नहीं ला सकते, लेकिन उनके अस्तित्व के प्रमाण जो आज भी मौजूद है वो आपके सामने ला सकते हैं। भारत और श्रीलंका में कुछ ऐसी जगहें हैं जो इस बात का सबूत देती हैं कि रामायण में लिखी हर बात सत्य है। ऐसे कई सवाल हैं जो समय समय पर लोगों के दिमाग में आते हैं। उसमें सबसे बड़ा सवाल है राम सेतु का, जिसे श्री राम ने बनाकर वानर सेना के साथ रावण की नगरी लंका पर हमला बोला था। आज हम आपको रामायण से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों से अवगत कराने जा रहे हैं जिसके बाद आप कह सकेंगे कि ये सब सत्य है। रामायण में जो कुछ भी लिखा है वह शत प्रतिशत सत्य है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या है सच। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है। लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम जी ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादातर लोगों का सवाल होता है कि क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थीं? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? और इन सब बातों की वजह से ही कई लोग रामायण को झूठ समझते हैं। मगर आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं सत्य हैं। नंबर एक, रामायण कालीन हवाई अड्डे। जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं उतना, या फिर कहूं कि उससे भी ज्यादा श्रीलंका में माना जाता है। और इसीलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से यह ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहां उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के कारण रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यह हवाई अड्डे न सिर्फ यह बताते हैं कि रामायण सच में हुई थी, पर यह भी बताते हैं कि उसमें लिखी गई सारी बातें जिन पर हमें यकीन नहीं होता वह भी सच हैं। नंबर दो, रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहा करता था जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंकन गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है और यह दावा है कि यह महल रामायण काल का है। इस महल से कहीं सीक्रेट रास्ते निकलते हैं। लेकिन जब रिसर्च टीम ने इन पर रिसर्च की तो पता चला कि गुफाएं नेचुरल नहीं बल्कि किसी समय ने इंसानों द्वारा बनाया गया था। श्रीलंकन हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से ही प्रकट हो जाया करता था और पलक झपकते ही उन हिस्सों से गायब होकर अपने महल में पहुंच जाता था। इसलिए जानकारों का मानना है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया करता था। नंबर तीन, अशोक वाटिका के सबूत। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका के अंदर रखा था। कहा जाता है कि अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। ये जगह इतनी रहस्यमयी थी कि हनुमान जी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए थे। मगर हैरानी की बात तो ये है कि अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ऐसा माना जाता कि एलिया पर्वत की एक गुफा में माता सीता को रखा गया था। यहाँ सीता माता का एक मंदिर है जिसे विराग टोक कहते हैं और वह आगरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर सीता जी का अपहरण कर पुष्पक विमान को उतारा गया था। रामायण ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत ज्यादा थे, इसलिए इसका नाम अशोक वाटिका रखा गया था। अब जैसा रामायण में इस वाटिका के बारे में कहा गया था वैसा आज यह गार्डन है, जिसे हम रामायण कालीन एक सबूत मान सकते हैं। नंबर चार, द्रोणगिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण में लिखा हुआ है कि युद्ध में जब मेघनाद द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर गए थे। हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी का पता नहीं चला तो वह द्रोणागिरी पहाड़ के एक टुकड़े को उठाकर ले आए। मान्यताओं के अनुसार यह वही पहाड़ है जो आज भी वहां पर मौजूद है।
कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि आज भी उस पर्वत पर वह निशान मौजूद है जहां से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था, लेकिन जिस पर्वत का जिक्र रामायण में मिलता है वहां आज मौजूद है। नंबर 5, राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है और इसके बारे में पक्का सबूत तब मिल गया जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। पैसिफिक ओशियन की तस्वीर में कुछ ऐसा था जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। पैसिफिक ओशियन के हिस्से में साफ तौर से पत्थरों की एक लाइन बनी हुई नजर आ रही थी। वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर पर ज्यादा स्टडी की तो पता चला कि पत्थरों से बनी लाइन है, भारत के धनुषकोड़ी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई है, जो लंबाई में करीब 30 किलोमीटर तक हो सकती है। और अमेरिका के एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने भी अपने रिसर्च में इस बात का दावा किया था कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु असल में एक मैनमेड ब्रिज है जो कई हजार साल पहले इंसानों ने बनाया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस फैक्ट को हम रामायण के एविडेंस के रूप में देख सकते हैं। नंबर 6, सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वह गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने दुंदुभि नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुंदुभि के खून की कुछ बूंदें मातंग आर्षी के आश्रम के ऊपर गिर गईं। आर्षी ने अपने तप के बल से जान लिया कि किसकी हरकत है। फिर क्रोधित आर्षी ने बाली को श्राप दिया था कि कभी भी आर्षी के पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने पर वह इसी जगह पर आए थे क्योंकि वह जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से भी हुई थी और बाद में राम जी ने बहाली का वध किया था और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दिया था, और ये सारी गुफाएं आज भी मौजूद हैं। नंबर 7, राम सेतु के पत्थर भगवान राम ने समुद्र को पार करने के लिए बंदरों की सहायता से लंका तक पुल बना दिया था। कहा जाता है कि इस पुल के माध्यम से श्री राम की पूरी वानर सेना रावण से लड़ने लंका गई थी। मगर हैरानी की बात तो यह है कि राम सेतु में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर आज भी मौजूद हैं। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। शोधकर्ताओं के अनुसार इसके लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था जिसे विज्ञान की भाषा में पैमाइश स्टोन कहते हैं। ये पत्थर पानी में नहीं डूबता और तैरने वाला है। अब इन पत्थरों के पीछे का विज्ञान भी रामायण के समय उनको पता था और उन्होंने इस तकनीक का उपयोग राम सेतु को बनाने में किया था। यह रामायण का एक पुख्ता और मजबूत सबूत है। नंबर 8, जली हुई लंका के सबूत। रामायण ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी ने लंका के सोने की नगरी को जला दिया था, मगर अभी कुछ एविडेंस मिले हैं जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि लंका के जलने के सबूत आज भी वहां पर मौजूद हैं। जिस जगह पर श्रीलंका को जलाया गया था वहां की मिट्टी आज भी काली है, जबकि उसके आसपास के मिट्टी का रंग वैसा ही है जैसा कि नॉर्मली मिट्टी का होना चाहिए। बस इतने से इलाके में ही काली मिट्टी मौजूद है जो कि जली हुई लंका के सबूत को बताती है। अब दोस्तों, इतने सारे प्रूफ कोई इत्तेफाक नहीं हो सकते, तो इसलिए यही साबित होता है कि रामायण सच में घटित हुई थी। आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम।